नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के परीक्षा और प्रमोशन को लेकर के। दोस्तों, जो अपडेट आ रही है उसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। आपको पता ही है राजस्थान में 6 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कमेटी के संयोजक बनाए गए हैं प्रोफेसर देवस्वरूप जी, उनका इसको लेकर के क्या कहना है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, यदि आपने अभी तक हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुँचे सही व सटीक न्यूज़। सबसे पहले दोस्तों, आप रूप ही देख लीजिए ऑथेंटिसिटी के लिए, न्यूज़ के लिए। यह आप देख सकते हैं राजस्थान पत्रिका में अजमेर संस्करण दिखा रहा हूँ, 28 मई 2021 का ये न्यूज़पेपर, यानी आज का न्यूज़पेपर, और पेज नंबर 6 पर दोस्तों ये न्यूज़ है वो प्रकाशित हुई है। यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं, तैयारी में जुटी प्रोफेसर देव स्वरूप की अध्यक्षता में बने कमेटी, परीक्षा और प्रमोशन फॉर्मूले का बनेगा रोड मैप। यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं आप, कॉलेज विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं के लिए गठित उच्च स्तरीय कमेटी चर्चा में जुट गई है। कमेटी परीक्षाओं के आयोजन, प्रमोशन फॉर्मूले सहित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार दूसरे साल राज्य में हालात खराब है। कॉलेज विश्वविद्यालयों की स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं स्थगित की गई है। संक्रमण को देखते हुए परीक्षाएं कराना आसान नहीं है। राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर देव स्वरूप की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है, जिसमें अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा विश्वविद्यालयों के कुलपति, कॉलेज शिक्षा आयुक्त और उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव भी सदस्य है। यह आप देख सकते हैं, पिछले साल किया था प्रमोट, कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल करीब 50 दिन लॉकडाउन रहा था। इसके चलते राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति ने स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को अगली कक्षाओं में प्रमोट करने का फैसला लिया था, जबकि तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की है वो परीक्षाएँ करवाई गई थी। यह आप देख सकते हैं, लगातार प्रमोशन है वो भी ठीक नहीं है। कोरोना संक्रमण के हालात इस वर्ष ज़्यादा खराब है। कुलपति शिक्षाविद विद्यार्थियों को लगातार दूसरे साल प्रमोशन देना ठीक नहीं मान रहे हैं, इससे इनकी शैक्षिक अभिरुचि, परफॉर्मेंस और पढ़ाई पर असर पड़ने के तर्क भी है और दिए जा रहे हैं। और ये बात सही भी है कि लगातार प्रमोशन किया जाता है तो हायर एजुकेशन की है वो ग्रेडिंग गिरती है, लेकिन साथ ही साथ में हमें ये भी देखना होगा कि जो परिस्थिति है वो बहुत ही विशेष परिस्थिति है। कोरोना का खतरा है वो बहुत ज़्यादा है और इस स्थिति में हमें विशेष परिस्थितियों में अति विशेष निर्णय है वो लेने पड़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं इनका कहना है, और सबसे इम्पोर्टेंट यही हो जाता है जो प्रोफेसर देव स्वरूप जी का इस पर क्या कहना है, जो कि दोस्तों जो कमेटी बनाई गई है उनकी अध्यक्षता में, उनके संयोजकत्व में बनाई गई है। राज्य में विश्वविद्यालयों और कॉलेज की वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाएं बकाया है। हम सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे ताकि विद्यार्थियों की डिग्री और करियर पर असर नहीं पड़े। प्रोफेशनल और नियमित कोर्स की परीक्षाएं कैसे हो, क्या फार्मूला रहे, इसका निर्धारण करके है वो सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन पहलुओं पर, किन किन बिंदुओं पर है वो विचार करेंगे। यह आप देख सकते हैं दोस्तों, वो बिंदु जिन पर है वो इस कमेटी के द्वारा विचार किया जाएगा। पिछले साल की तरह विद्यार्थियों का प्रमोशन, सबसे पहले दोस्तों प्रमोशन पर ही विचार किया जाएगा। उसके बाद में तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की हो परीक्षाएं, परिस्थितियां अनुकूल होने पर वो यूजी और पीजी की परीक्षाएं। ये दोस्तों जो दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट है वो साथ में ही है कि तृतीय वर्ष के स्नातकोत्तर, तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर उत्तरार्ध की परीक्षाएँ हो, और परीक्षाएँ हो कब, ये तब हो जब अनुकूल परिस्थितियां बनती हो। विद्यार्थियों की अगले कक्षाओं में प्रोविजनल प्रवेश देने पर भी विचार होगा। यूजीसी और केंद्रीय शिक्षा विभाग से है वो चर्चा भी की जाएगी इसको लेकर के। साथ ही साथ में जुलाई में सत्र की शुरुआत के साथ में सिर्फ पढ़ाई की जाए, अन्य जो शैक्षणिक गतिविधियाँ हैं उनको नए चालू रख करके ओनली पढ़ाई पर ही ध्यान दिया जाए, इसको लेकर भी दोस्तों ये कमेटी है वो रिकमेंडेशन दे सकती है। और इस बार जो कमेटी रिकमेंडेशन देगी वो राजस्थान के जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनमें समान रूप से लागू होगी। तो ये बड़ी अपडेट दोस्तों राजस्थान के सभी विश्वविद्यालय और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए आ रही थी, जो मैंने आपको दे दी है। धन्यवाद दोस्तों। विश्वविद्यालय और कॉलेज से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की जानकारी, अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे अपने चैनल गरिमा बोथरा को। मैं हूँ ऋतिक बोथरा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।